हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे उत्तराखंड के एक प्रसिद्ध आंचलिक साहित्यकार शैलेश मटियानी जी के बारे में। लेकिन उससे पहले बता दूं, जो लोग आज पहली बार चैनल पर आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। चैनल का नाम थोड़ा सा अलग है, जी की स्टडी विथ बबुआ जी। हो सकता है आप थोड़ा सा चौंक गए हों, लेकिन यहाँ पर उत्तराखंड से संबंधित एकदम सटीक और महत्वपूर्ण जानकारियाँ दी जाती है। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और सब्सक्राइब करने के बाद जब चैनल हो जाएगा सब्सक्राइब, एक घंटी का ऑप्शन आपके सामने ओपन हो जाएगा। इस पर भी आपको एक बार क्लिक करना है, तभी आपको हमारे सभी वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। तो दो काम करने हैं, एक सब्सक्राइब करना है और एक घंटी का बटन दबाना है। इससे आपको ही फायदा होगा, जब भी कोई वीडियो डालूंगा तो वो वीडियो आप तक आसानी से पहुंच जाएगा। तो इस महीने हमारी जो मंथली मैगजीन है एग्जाम प्रैक्टिस उत्तराखंड करंट अफेयर, वहां पर हमने एक टॉपिक डाला था आंचलिक साहित्यकार शैलेश मटियानी जी के बारे में। तो सोचा मैंने वीडियो के माध्यम से भी आपको समझा दूं। पत्रिका में जब आप एक बार पढ़ेंगे और वीडियो में भी सुनेंगे तो आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा। इसलिए पत्रिका लें, वहाँ पर पढ़ें उस पत्रिका को, और उसके बाद यहाँ पर वीडियो देखें, या वीडियो देखने के बाद आप पत्रिका, हो सकता है आप थोड़ा लेट में लें, तो आपको दोनों तरफ से ही फायदा होगा। तो चलिए बात करते हैं आज आंचलिक साहित्यकार शैलेश मटियानी जी के बारे में। तो सबसे पहले तो जान लेते हैं कि आंचलिक का अर्थ होता क्या है, क्यों इनको आंचलिक साहित्यकार कहा जाता है। तो थोड़ा सा देख लेते हैं, आंचलिक रचना का अर्थ होता क्या है। ऐसी रचना जिसमें किसी गांव, प्रांत या किसी क्षेत्र विशेष की धार्मिक, राजनीतिक व सामाजिक गतिविधियों के साथ साथ संस्कृति, लोक भाषा आदि का वर्णन भी किया जाता है, आंचलिक रचनाएं कहलाती है। इनकी अधिकांश रचनाएं आंचलिक है, इसलिए इनको आंचलिक साहित्यकार कहा जाता है। और आंचलिक रचना क्या होती है मैंने आपको बता दिया है। तो चलिए बात करते हैं फैक्ट के बारे में। आज शैलेश मटियानी जी का जन्म 14 अक्टूबर 1931 को हुआ था। कहाँ हुआ था? अल्मोड़ा जनपद में, और गाँव का नाम था बाड़े चीना गांव। ध्यान रखेंगे, एक बार UK SSSC ने पूछ लिया ये प्रश्न कि कहाँ इनका जन्म हुआ था, किस जनपद में इनका जन्म हुआ था। तो गांव भी पूछ सकता है, सन भी पूछ सकता है, डेट भी पूछ सकता है, क्योंकि एग्जाम अब थोड़ा सा डीपली आ रहे हैं। तो ध्यान रखेंगे आप, 14 अक्टूबर 1931 को जन्म हुआ अल्मोड़ा जनपद के बाड़ेचीना गाँव में। इनके पिता का नाम था बिशन सिंह मटियानी। ठीक है, एक फैक्ट तो यहाँ से क्लियर हो गया। दूसरा है, शैलेश मटियानी जी के बचपन का नाम रमेश चंद्र सिंह मटियानी था। ये प्रश्न भी एग्जाम में पूछा जा चुका है, ध्यान रखेंगे, रमेश चंद्र सिंह मटियानी। ये प्रश्न भी UK SSSC ने दो परीक्षाओं में पूछ लिया है। तो ध्यान रखेंगे, ये दो प्रश्न तो काफ़ी सरल हैं, जो काफ़ी समय से तैयारी कर रहे होंगे उनको पता होगा, लेकिन जो नए हैं वो जरूर नोट कर लें। जब रमेश चंद्र जी मात्र 13 वर्ष के थे, तभी ही इनके माता पिता का देहांत हो गया था, लेकिन फिर भी इन्होंने हिम्मत नहीं हारी और अपनी उपस्थिति महानतम साहित्यकारों में दर्ज करवाई। काफ़ी कष्ट में रहा इनका बचपन। जब ये मात्र 10 साल के थे तो इनकी माता को क्या हो गया था? कैंसर हो गया था। और कैंसर हो गया था तो जब ब्लड निकलता था तो स्तन कैंसर हुआ था इनकी मम्मी को, बता दूं आपको। और जब ब्लड निकलता था उन कपड़ों को धुलते थे शैलेश मटियानी जी मात्र 10 वर्ष की उम्र में। और इसके बाद एक घटना और होती है, इनके पिता हैं जो बिशन सिंह मटियानी, ये इनको छोड़ देते हैं, इनकी मम्मी को, और इनको छोड़ कर चले जाते हैं, एक दूसरे गांव में रहने लगते हैं, और क्या कर लेते हैं? शादी कर लेते हैं, दूसरी शादी कर लेते हैं क्रिश्चियन महिला से, और उसके साथ रहने लगते हैं। तो उस समय इनकी उम्र मात्र 9 या 10 साल रही होगी, जब इनके साथ इतनी कठिनाइयाँ हुई, लेकिन उसके बावजूद भी इन्होंने मात्र 13-14 साल की उम्र में अपनी किताबें लिखना शुरू कर दिया था। और जब इनके पिता का अंतिम समय आता है, किनका? पिता का, बिशन सिंह मटियानी जी का। तो ये बुलाते हैं कि रमेश चंद्र जी को, कि मुझे एक बार क्या करना है, रमेश से मिलना है, अपने बेटे से मिलना है। तो इसके बाद रमेश चंद्र जी मटियानी जी के पास जाते हैं, बिशन सिंह अर्थात अपने पापा के पास जाते हैं, इनसे मिलते हैं, और कुछ दिनों बाद इनके पिता का देहांत हो जाता है। और इनकी मम्मी का जो देहांत होता है वो होता है कैंसर नामक बीमारी से। ठीक है, तो एक बेस बनाने के लिए आपको बताया मैंने यहाँ पर डिटेल क्या थी इनके बचपन की कहानी। तो काफ़ी मोटिवेट हूँ मैं यार इनके बचपन से, काफ़ी कठिनाइयों से आगे बढ़े हैं। आपके जीवन में भी कठिनाइयाँ होगी, लेकिन आप बिल्कुल पॉजिटिव रहिए, सब अच्छा होगा, बस मेहनत कीजिए आप। अगला फैक्ट है, शैलेश मटियानी जी को महान आंचलिक साहित्यकारों की श्रेणी में रखा जाता है। क्यों रखा जाता है? क्योंकि इनकी अधिकांश रचनाएँ आंचलिक है, और आंचलिक रचना क्या होती है मैंने आपको बता दिया है। अगला है, बोरी वरी से बोरी बंदर तक, शैलेश मटियानी जी का पहला आंचलिक उपन्यास है, और ये 1959 में प्रकाशित हुआ था। इस उपन्यास में उन्होंने मुंबई के दो स्टेशन बोरीवली और बोरी बंदर के बीच निवास करने वाले समाज का वर्णन किया है। तो ध्यान रखेंगे आप, बोरीवली और बोरी बंदर है क्या? मुंबई के बीच दो स्टेशन हैं जहाँ पर कोई समाज रहता था एक। तो 1959 में ये बुक इनकी प्रकाशित हुई थी, और उस समाज का इन्होंने वहाँ पर वर्णन किया है। तो काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, काफ़ी फेमस उपन्यास है, और पहला उपन्यास है शैलेश मटियानी जी का। मटियानी जी ने विकल्प और जनपक्ष पत्रिका का संपादन भी किया था, ध्यान रखेंगे, विकल्प और जनपक्ष पत्रिका। 24 अप्रैल 2001 को इनका देहांत हो गया। तो सभी फैक्ट जितने मैंने बताए हैं
आप नोट जरूर करते रहें और वीडियो को जरूर देखें यार। कुछ लोग क्या कर रहे हैं, वीडियो जैसे ही अपलोड हो रहा है उसके बाद तुरंत ही एक मिनट में ही कमेंट आ जा रहा है उन लोगों का कि वेरी नाइस, चाहे उन्होंने वीडियो नहीं भी देखा होगा वो वेरी नाइस बोल दे रहे हैं, या फिर उनको लगता है कि वीडियो अच्छा ही होगा इस वजह से वो बोलते हैं पहले ही पॉजिटिव वे में, ये मुझे नहीं पता। लेकिन अधिकांश लोग क्या करते हैं, बिना वीडियो देखे ही बुराई भी कर रहे हैं, कुछ लोग अच्छाई भी कर रहे हैं। तो वीडियो आप ज़रूर देखें, आपको कमी निकालनी है तो वीडियो पूरा देखने के बाद निकालें, कहीं पे कमी लगती है गलती लगती है तो आप मुझसे अवगत कराएं, मैं सुधार करूंगा यार उसमें, ठीक है। सम्मान देख लेते हैं अब। 1984 में इन्हें मुठभेड़ उपन्यास के लिए फणीश्वर रात रेणु पुरस्कार दिया गया। तो ध्यान रखेंगे मुठभेड़ उपन्यास भी इंपॉर्टेंट हो सकता है क्योंकि इनको फणीश्वर रात रेणु पुरस्कार दिया गया 1984 में इसके लिए। यह उपन्यास गरीबों के शोषण पर आधारित था, गरीबों के शोषण पर आधारित था। अगला है कुमाऊं विश्वविद्यालय द्वारा इनको डी लिट की उपाधि से सम्मानित किया गया। तो प्रश्न बन सकता है डी लिट की उपाधि द्वारा कहाँ किसने सम्मानित किया, कुमाऊं विश्वविद्यालय ने। रचनाएं देख लेते हैं, अब इनकी काफ़ी रचनाएं हैं यार, अब रचनाएं भी काफ़ी डीपली पूछी जा रही है तो आपको याद करना जरूरी हो गया है, अब आपको थोड़ा सा डीप में जाके स्टडी करने की ज़रूरत है। उत्तराखंड में अब एक बुक के भरोसे नहीं रहा जा सकता, हो सकता है अगला एग्जाम एक ही बुक से आ जाए परीक्षावाणी से, लेकिन कोई गारंटी नहीं है, इसलिए अपनी तैयारी को थोड़ा सा आपको और बेहतर बनाना होगा। तो बोरी वरी से बोरी बंदर तक इनका उपन्यास काफ़ी फेमस उपन्यास 1959 में आया था। कबूतर खाना, चिट्ठी रसेन, हौलदार, किस्सा नर्मदा बेन गंगूबाई, मुख सरोवर के हंस, एक मुठ सरसों, पुनर्जन्म के बाद, मुठभेड़, उगते सूरज की किरण, चौथी मुट्ठी, सभी के सभी याद कर लीजिए आप। कहानी संग्रह है दो दुखों का एक सुख, मेरी 33 कहानियाँ, तीसरा सुख, जंगल में मंगल, चील। लोक कथा संग्रह है कुमाऊँ की लोक कथाएँ, बारामंडल की लोक कथाएँ, चंपावत की लोक कथाएँ, डोटी प्रदेश की लोक कथाएँ, अल्मोड़ा की लोक कथाएँ। बाल साहित्य सिंधु और गंगा, चूहिया का दुल्ला, रानी गोरैया। पत्र पत्रिकाएं मैंने आपको बता दिया है, विकल्प और जनपक्ष पत्रिका। अन्य रचनाएं हैं किसके राम कैसे राम और कागज़ की नाव। तो सभी रचनाएं आप नोट करते चले, और कैसा लगा आप सभी लोगों को ये वीडियो कमेंट बॉक्स में ज़रूर अपने सुझाव बताते रहें, इससे मुझे भी काफ़ी अच्छा लगता है यार। आप लोग अगर अच्छे कमेंट करते हैं तो एक अलग ही एनर्जी आती है, मन करता है कि लगातार वीडियो बनाऊं, लेकिन जब कोई गलत कमेंट करता है थोड़ा दिल दुख भी जाता है क्योंकि काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है इस प्रकार के वीडियो बनाने के लिए। तो चलिए मिलते हैं आपको एक अगले वीडियो में जल्दी से। गोरखा शासन मैंने कहा था शुरू करूँगा, लेकिन किसी एक मित्र ने बुक लेके गई है थोड़ा अभी, तो वो बुक जब आ जाएगी तो मैं उस पर वीडियो ज़रूर बनाऊँगा। वैसे तो मेरे पास 4-5 बुकें हैं गोरखा शासन से रिलेटेड, लेकिन सभी बुकों का अगर एक नोट्स बना के वीडियो बनाऊँगा तो उससे आप लोगों को ही फ़ायदा होगा। तो 2-4 दिन में वो वीडियो भी मैं ज़रूर डालूँगा। मिलते हैं आप लोगों को ऐसे ही नई जानकारियों के साथ। धन्यवाद।